हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने टोनी मोली के कोलाजन इंक की लाइब्रेरी सीरम के बारे में बताने जा रही हूँ। ये कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, लुक एट दैट, मेड इन कोरिया प्रोडक्ट है। बाकी इसमें ये कोरियन लैंग्वेज में दिया हुआ है एंड इसमें डायरेक्शन दिए हुए, इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं एंड कॉशन दिए हुए हैं। लुक एट दैट, आपको आई होप इंग्रेडिएंट बिल्कुल क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। तो इस टाइप से एक आपको पॉलीथीन पैकेट मिलता है, इसमें ड्रॉपर होता है एंड ये इसमें कैप लगे होते हैं, इसको ओपन करके आपको फिट करना पड़ता है। इस टाइप का एक ये ग्लास जार आता है एंड ये ड्रॉपर आपको इस तरीके से, इसका थोड़ा सा चेंज है, ये इंक की लाइब्रेरी टाइप, मतलब इंक टाइप का है ये। ये आपका कैप है एंड ये थोड़ा रबड़ का है, सॉफ्ट है, मीन्स टाइट नहीं है। 30 ml प्रोडक्ट क्वांटिटी आपको मिलती है। इसकी MRP है 850, बट ये आप इसको सेल में अप एंड डाउन रेट में पिक कर सकते हो। इसको मैंने नायका से परचेज़ किया है और इसको मतलब जैसा आप सेल चल रही होगी उस टाइप से आपको आई होप इसे सस्ता भी मिल सकता है, बट 850 इसकी MRP है और 30 ml ये आपको मिल रहा है। एंड इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट आएंगे, लाइक हलोरोनिक एसिड का भी है, नियासिनामाइड का है और सेरामाइड का भी है। तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम है, उस टाइप से आप पिक कर सकते हो। ये कोलाजन सीरम है। तो चलिए बात करते हैं इस सीरम कोलाजन की, कोलाजन सीरम की। ये टोनी मोली का है, ये क्लेम कर रहे हैं आपकी स्किन फॉर्म करता है और स्मूथ करता है, टाइट करता है, नरिश करता है एंड आपको इससे एंटी एजिंग प्रॉपर्टी मिलती है। सबसे पहले तो ये बोल रहे हैं लाइट वेट है, तो यस, लुक एट दैट, आपको बस थोड़ा सा लेना रहता है। एकदम वाटर टाइप है, बिल्कुल पता नहीं चलता है। आप जैसे ही इसको अपने स्किन में लगाते हो तुरंत वाटर की तरह ये ऑब्जॉर्ब हो जाता है एंड थोड़ी देर के बाद बिल्कुल आपके स्किन में ये चला जाता है। कोई भी चिपचिप नहीं है, आप देख सकते हो, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि वाटर ही है। लुक एट दैट, तो ऑल स्किन टाइप है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत ड्राई आपकी स्किन लग रही है, तो ऑल स्किन टाइप है। अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है तो आप अपना पसंद का कोई सा भी इसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो और ये मीन्स आप अगर ऑयली स्किन भी हो तब भी आपको इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाना है एंड नेक्स्ट डे आपको सन क्रीम ज़रूर लगानी है। इसे अप्लाई कैसे करना है, नॉर्मली आप जैसे सारे सीरम यूज़ करते हो वैसे ही आपको इसको यूज़ करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब ये आपकी स्किन फॉर्म कर रहा है तो मैं आपको बताऊं कि अगर आपको सच में आपकी स्किन में एंटी एजिंग की प्रॉब्लम है या स्मूथ नहीं है, मींस टाइट नहीं है, बहुत सैगी लगती है, स्पॉट है और पोर आपके बहुत ओपन है, तो ये सच में बहुत अच्छा है, वर्क करता है। आप अगर इसके रेट पे मत जाओ तो आपको, अगर सेल में पिक करते हो तो बहुत अच्छे रेट में आपको मिल जाता है। आप इसको जब धीरे धीरे यूज़ करना चालू कर देते हो तो एक हफ्ते के बाद इसका आपको बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं कि धीरे धीरे आपकी स्किन इससे सच में फॉर्म होने लगती है, जो फाइन लाइंस होती हैं वो जाने लग जाती हैं, जो बहुत ही डीपली अगर आपके रिंकल्स हैं, मींस अगर आप कोई 40 या 50+ हो तो उसमें ये इतना जल्दी वर्क नहीं करता है। बट अगर आप 25 के अबव हो एंड आपके फाइन लाइंस स्टार्ट हो गए हैं या बिल्कुल डल डैमेज स्किन हो चुकी, कोई ग्लो नहीं, शाइन नहीं, उनको ये तुरंत एक हफ्ते के बाद इसका बेनिफिट मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और धीरे धीरे ये भी नहीं है कि कोई भी आपके ब्रेकआउट्स आ रहे हों या कोई दाने निकल आ रहे हों, कोई चिपचिप हो रहा हो, कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे ये आपको स्पॉट्स तक इसके इससे सही होने लग जाते हैं एंड फेस पे तो आपको फर्स्ट डे से ही इसमें ग्लो पता चलने लगेगा। हमें कोलाजन सीरम क्यों यूज़ करना चाहिए, तो कोलाजन सीरम वो लोग यूज़ कर सकते हैं जिनकी स्किन सैगिंग है, टाइट नहीं है, बहुत सारे रिंकल्स हैं, स्पॉट हैं आपके एंड झाइयाँ हैं फेस पे, मतलब बिल्कुल आपकी डल डैमेज हो चुकी है, बिल्कुल अन मतलब हाइड्रेटेड नहीं है, बहुत ही डैमेज लगती है, थोड़े थोड़े से आपके मतलब जगह जगह पे पैच जो है वो मतलब रिंकल्स टाइप के लगते हैं और कोई ग्लो नहीं है, कोई शाइन नहीं है आपके फेस में, तो कोलाजन सीरम उनके लिए होते हैं। आप देख ही सकते हो लिखा है फर्म, तो आपकी स्किन फर्म होती है। इसको मैं 100% आपको रिकमेंड करती हूँ कि अगर आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम है लाइक दैट, इस टाइप की कि स्मूथ नहीं है, सपल नहीं है और जिनकी मतलब बहुत ज़्यादा रिंकल्स आ चुके हैं, तो ये उन पर वर्क करती है, पसंद आया है और बहुत ज़्यादा चल रहा है, ऐसे नहीं 30 ml ख़त्म हो जाएगा और ज़रा सेमे भी बहुत आपके स्किन में चला जाता है। आप देख सकते हो कोई इससे ब्रेकआउट्स नहीं स्किन में होता है,
ये कि एक्ने आ गए या आपका स्किन डल हो गई, डार्क हो गई, आपका जो ओरिजिनल कलर है वो चला गया, कुछ भी नहीं जाता है, तो आप इसको ले सकते हो। एंड आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल बटन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। और हाँ, आप मुझे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो।